नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे हैं टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों, ई-श्रम कार्ड से 5 लाख वाला हेल्थ कार्ड यानी आयुष्मान भारत कार्ड को हम कैसे बना सकते हैं, इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने ई-श्रम कार्ड बनाने की शुरुआत की है, जब से सभी के मन में प्रश्न उठ रहा है कि ई-श्रम कार्ड से आयुष्मान भारत कार्ड को हम कैसे बना सकते हैं, यानी 5 लाख वाला हेल्थ कार्ड को हम कैसे बना सकते हैं। और भी बहुत लोग हैं जिनके पास लेबर कार्ड है, उन लोग को भी मन में प्रश्न उठ रहा है कि लेबर कार्ड से हम आयुष्मान भारत कार्ड को हम कैसे बना सकते हैं, और इस प्रकार के बहुत सारे लोग भी कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी सच्चाई और जो भी तरीका इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बतलाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है कि ई-श्रम कार्ड से हम आयुष्मान भारत कार्ड को बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या फिर लेबर कार्ड से हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इसी चीज को इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, पर दोस्तों आपको बहुत नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, ई-श्रम कार्ड से आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का कोई ऐसा नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है, पर दोस्तों यहाँ पे हम आयुष्मान भारत कार्ड का जो अधिकारी, उनसे हम खुद बात किए हैं, उन्होंने खुद बताए हैं कि जो हम आपको तरीका बतलाने वाला वही तरीका से आप आयुष्मान भारत कार्ड को बना सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने खुद बताए हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दोस्तों आपके गांव में जो सर्वे होता है, उस सर्वे में सबसे पहले अपना नाम को ऐड कराना होगा। उसके बाद जब आपका नाम ऐड हो जाता है गरीबी रेखा में, और उसके बाद जो है कि आपके पास राशन कार्ड होनी चाहिए, अगर ये दो चीज आप करा लेते हैं तो दोस्तों आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। ऐसे में आप लोगों के भी बहुत मन में प्रश्न उठ रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन सी डॉक्यूमेंट से हम जो है कि आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दो चीज को करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे आपके गांव में जो सर्वे होता है, सर्वे में सबसे पहले अपना नाम को ऐड करवाना होगा, और जब आपका नाम गरीबी रेखा में ऐड हो जाता है तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो है कि आपके आयुष्मान कार्ड जो है कि बन जाता है। तो दोस्तों, जो पहले से जिसका नाम है आयुष्मान भारत कार्ड में, उनका जो है कि 2011 में जो सर्वे हुआ था, 2011 में सर्वे हुआ था, उन्हीं के आधार पर जो है कि उनका नाम है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो बात किए हैं आयुष्मान कार्ड का जो अधिकारी से, जो हम यहाँ पे अभी बात किए हैं, वो हम आपको यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप खुद यहाँ पे सुन लीजिए किस प्रकार से आप आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। वेलकम टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आपका स्वागत है। आयुष्मान कार्ड में लिस्ट में नाम नहीं है, किसी फैमिली का ही नहीं है, और उसमें अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे ऐड कर सकते हैं? ऐड कराने के लिए आपको दोबारा जनगणना होगी, जनगणना में नाम लिखवाना होगा, जनगणना में नाम लिखा जाएगा, उसके बेस पे लिस्ट बनकर आएगी। लिस्ट में अगर नाम होता है तभी व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। जी जी, और जो पहले का जो लिस्ट में नाम है, पहले से जिसका ऐड है, उसका कब ऐड हुआ था? वो 2011 की सूची जनगणना हुई थी, उसके बेस पे नाम बन के आए थे पहले। जी, 2011 के। हाँ जी। ओ, अगर मानते कि अगर अवैध करवाना होगा तो जनगणना होगा तभी ऐड होगा। हाँ जी, जनगणना का होगा तभी ऐड होगा। और ऐसे कोई इसका फॉर्म कुछ नहीं अप्लाई करने का? जी नहीं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते उसका।